जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा थर्ड ओडीआई मुकाबला न्यूलैंड्स केप टाउन के मैदान पर, जहां पर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया टीम इंडिया के सामने। और कैसे टीम इंडिया चेस करेगी अब सामने दुविधा खड़ी हो गई है, क्योंकि टीम इंडिया की अभी तक इस सीरीज में बल्लेबाजी उतनी प्रभावित करने वाली नहीं रही। खासकर मिडिल ऑर्डर ने दोस्तों टीम इंडिया का साथ नहीं दिया, और जब मिडिल ऑर्डर साथ देता तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल होते, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर काम करता तो फिनिशर अपना भूमिका सही से अदा नहीं कर पाए, तो काफी सारे लूप होल्स देखने को मिले। लेकिन अगर बात करें थर्ड ओडीआई मुकाबले में दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कैप टाउन के शानदार मैदान पर 287 रनों जितना एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जहां पर टीम इंडिया को चेस करने हैं 288 रन। आप सभी को बताएं कि यहां पर क्विंटन डिकॉक के बल्ले से निकला रनों का तूफान, तो वहीं गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्ण जसप्रीत बुमराह दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी दिखाई, वो भी अंत के समय में जब साउथ अफ्रीका ने एक अच्छा स्कोर बना लिया था, तब यहां पर दोस्तों ये गेंदबाज विकेट लेते नजर आए। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि केएल राहुल को कुछ राय देते नजर आए पूर्व उप कप्तान दोस्तों विराट कोहली ने काफ़ी सारी राय दी, जिसके चलते आज केएल राहुल उन डिसीजन को फॉलो करते भी नजर आए। तो चलिए दोस्तों आपको जानकारी देते हैं फर्स्ट इनिंग के दौरान क्या कुछ मैदान पर घटा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का मुकाबला दोस्तों न्यूलैंड्स केप टाउन के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर दोस्तों इससे पहले 5 ओडीआई मुकाबले टीम इंडिया खेल चुकी है, 3 मुकाबले जीती है, 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। साल 2018 में जब इसी मैदान पर मुकाबला खेला गया था, तो विराट कोहली ने 159 गेंदों में 160 रन की पारी बेहतरीन तरीके से करीब खेली थी। और आपको बताया दोस्तों आज के मुकाबले में क्या कुछ खास देखने को मिला, तो टीम इंडिया 4 बदलावों के साथ और साउथ अफ्रीका 1 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी थी। बदलावों की बात करें यानी कि प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 दोस्तों केएल राहुल ही कप्तान थे, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका कप्तान थे तेम्बा बवुआमा। बात करें इंडिया की कप्तानी के साथ किस तरीके से यहां पर आज टॉस भी केएल राहुल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से आज यहां पर केएल राहुल ने अनाउंस किया कि टीम इंडिया केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सुरेश अय्यर और सूर्यकुमार यादव तो थे ही, लेकिन अश्विन, शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी को बाहर बैठाया गया। आज भुवनेश्वर कुमार को ही बाहर बैठाया गया, वेंकटेश अय्यर को ही बाहर बैठाया गया। इनकी जगह पर जयंत यादव, दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री कराई गई, सूर्यकुमार यादव भी एंट्री करे, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल हमें देखने को मिले। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात करें तो उन्होंने एकमात्र बदलाव किया था दोस्तों यहां पर, तबरेज शम्सी को बाहर बिठाते हुए जोयानी प्रेटरियस की दोस्तों एंट्री कराई थी टीम में। जाने मन मलान, क्वेंचन डिकॉक, तेम्बा बवुआमा, एडन माकरम, राशि वंदर दुसैन, डेविड मिलर, एंदले फेलकुआवे, सिसांदा मगाला, केशव महाराज, लुंगी एनगड़ी और जोयानी प्रेटरियस हमें देखने को मिले इनकी प्लेइंग 11 में। अब साउथ अफ्रीका की टीम दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरती है, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम साउथ अफ्रीका 287 रन 10 विकेट खोते हुए बनाती है। आप सभी को बताएं कि आखिरी ओवर में 10 विकेट गिरता है, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्विंटन डिकॉक के बल्ले से रनों का तूफान निकलता है। 130 गेंदों में ये बल्लेबाज 124 रन की पारी खेल डालता है अकेले दम पर। जी हाँ दोस्तों, 124 रन की पारी, 12 चौके, 2 छक्के इनकी इस पारी में होते हैं। जाने मन मलान क्विंटन डिकॉक का साथ देने के लिए शुरुआत में उतरते हैं, 8 रन बनाकर दोस्तों यहाँ पर आउट हो जाते हैं जाने मन मलान। करीब 12-13 गेंदों का ही मैच हुआ होता है। दीपक चहर होते हैं गेंदबाज जो यहां पर जाने मन मलान का विकेट लेते हैं, कैच पकड़ते हैं ऋषभ पंत। उसके बाद तेम्बा बवुआमा बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं जो टीम के कप्तान है, और क्विंटन डिकॉक का साथ देने के लिए एक कदम ऊपर आते हैं यानी कि एडन माकरम से पहले बल्लेबाजी करने के लिए आज तेम्बा बवुआमा हमें नजर आए। तेम्बा बवुआमा दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए हमें दिखाई दे तो किस तरीके से 12 गेंदों में 8 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। इनका रनआउट काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा दोस्तों। आपको बताया केएल राहुल एक बेहतरीन थ्रो मारते हैं रॉकेट थ्रो, और की वजह से सीधा विकेटों पर जाकर गेंद लगती है और तेम्बा बवुआमा रन आउट होते हैं। लेकिन उससे पहले जब विकेटों पर गेंद लगती है तो एम्पायर ज्यादातर डिसीजन थर्ड एम्पायर को सौंपते हैं, लेकिन विराट कोहली काफी अग्रेसिव नजर आए थे। पहले ओडीआई मुकाबले में इनकी कुछ भिड़ंत भी होती नजर आई थी तेम्बा बवुआमा से, तो तेम्बा बवुआमा से उन्होंने पहले कह दिया था कि ये आउट है, ये चलता बनेगा। उनकी सारी वॉइस स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुई, जो सबने सुनी, करोड़ों फैंस ने सुनी, और किसी को यकीन हुआ कोहली की बात पर। लेकिन जब डिसीजन पेंडिंग आया तो उसके बाद पता चला तेम्बा बवुआमा रन आउट है और विराट कोहली का डिसीजन सही, उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। तेम्बा बवुआमा को जाता देख साफ पता चल गया कि विराट कोहली ने भले ही कप्तानी छोड़ी, लेकिन अग्रेसिवनेस अभी भी उतना है। एडन माकरम बल्लेबाजी करने के लिए आए, 14 गेंदों में 15 रन उन्होंने बनाए 3 चौके की मदद से। दीपक चहर ने दूसरा विकेट यहां पर हासिल करा। दूसरे छोर पर अभी भी क्विंटन डिकॉक बल्लेबाजी कर रहे थे। एडन माकरम का विकेट 270 रन पर गिरता है, 12.2 ओवर की मुकाबला हुआ होता, 70 रन पर दोस्तों यहां पर एडन माकरम का तीसरा विकेट गिर जाता है। आपको जानकारी दे किस तरीके से
फिर अगला जो चौथा विकेट गिरता है वो गिरता है 214 रन पर, यानी कि इस बीच क्विंटन डिकॉक और राशिवंदर दुसेन के बीच 144 रन की पार्टनरशिप देखने को मिलती है। इस अगर ओडीआई सीरीज की बात करें दोस्तों तो राशिवंदर दुसेन ने काफी प्रभावित किया है, हर मुकाबले में रन बनाए। पिछले मुकाबले में 37 रन नाबाद बनाए थे, उससे पहले 129 रन नाबाद बनाए थे, इस मुकाबले में 52 रन की पारी खेली, यानी कि ये तो पक्का दावेदार है दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज के ओडीआई के इस मुकाबले के। भले आज क्विंटन डिकॉक ने 124 और पिछले मुकाबले में 77 रन की पारी खेली, लेकिन राशिवंदर दुसेन ने काफी प्रभावित किया है। राशिवंदर दुसेन ने आज 59 गेंदों में 52 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्के की मदद से, खूबसूरत वो छक्का था, लेकिन चहल ने इनका विकेट लेकर चलता किया दोस्तों, ये पार्टनरशिप तोड़ी 218 रन पर दोस्तों। फिर हमने देखा किस तरीके से राशिवंदर दुसेन भी आउट हो जाते हैं। क्विंटन डिकॉक को दोस्तों आउट किया था जसप्रीत बुमराह ने, मतलब टीम इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस सबसे तेज तर्रार गेंदबाज ने यहां पर उनका विकेट लेकर उनको चलता किया। 130 गेंदों में 124 रन की शानदार पारी खेली क्विंटन डिकॉक ने, भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ 12 चौके 2 छक्के लगाए इस कैपटाउन न्यूलैंड्स के मैदान पर। कैच पकड़ी थी शिखर धवन ने और चलता किया इनको 214 रन पर। 218 रन पर राशिवंदर दुसेन का विकेट चहल को मिल जाता है। उसके बाद यहां पर डेविड मिलर और एंदले फेल्कुआ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन एंदले फेल्कुआ भी दोस्तों रनआउट हो जाते हैं, 11 गेंदों में 4 रन बनाकर ये रनआउट होते हैं, और श्रेयसी और ऋषभ पंत का वो मिक्स कॉम्बिनेशन की वजह से आउट होते हैं। उसके बाद ज्वैनी प्रेटोरियस दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, डेविड मिलर उनका साथ देते हैं। डेविड मिलर और ज्वैनी प्रेटोरियस के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप जमती है जो थोड़ी दूर तक जाती है, लेकिन ज्वैनी प्रेटोरियस दोस्तों 25 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं 3 चौके की मदद से। प्रसिद्ध कृष्णा उनका विकेट लेते हैं, सूर्य कुमार यादव पकड़ते हैं कैच, और दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट मिलती है, सफलता मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसी ओवर के अंदर यहाँ पर कोशिश करते हैं मैच पलटने की, लेकिन अगला ओवर लेकर आते हैं फिर केशव महाराज के सामने जसप्रीत बुमराह, 5 गेंदों में 6 रन बनाकर केशव महाराज भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद अगला हम विकेट गिरते देखते हैं डेविड मिलर के रूप में, डेविड मिलर का दोस्तों विकेट यहाँ पर गिराते हैं, शानदार तरीके से गेंदबाजी होती है। प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पर विकेट गिराते हैं, 38 गेंदों में 39 रन बनाकर चलता करते हैं। 38 गेंदों में 39 रन की पारी डेविड मिलर ने खेली, एक छक्का बड़ा खूबसूरत था और 3 चौके उन्होंने अपनी इस पारी में लगाए। डेविड मिलर के कैच पकड़ते हैं कोहली, उसके बाद केशव महाराज को भी चलता कर दिया, सिसांदा मगालो को प्रसिद्ध कृष्णा अपने आखिरी ओवर में चलता कर देते बिना खाता खोले, लुंगी अनगिड़ी बिना खाता खोले दोस्तों यहां पर मैदान पर खड़े रह जाते हैं। अब बात करें दोस्तों किस तरीके से यहां पर काफ़ी कुछ हमें मैदान पर देखने को मिलता है। 287 रन टीम साउथ अफ्रीका बना चुके, आपको कुछ बता दें रिकॉर्ड्स, तो दोस्तों अब तक का जो हाइएस्ट स्कोर चेज हुआ है इस मैदान पर वो है 259 का। जी हाँ दोस्तों, 259 का सर्वाधिक स्कोर चेज हुआ है। अगर यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया को जीतना है तो एक इतिहास रचना ही होगा, ये सबसे ज़्यादा स्कोर होगा जो चेज होगा। यहां की पहली पारी का एवरेज स्कोर 234 है, जिससे तो कई गुना ज्यादा ही बना दिया साउथ अफ्रीका ने, और सेकंड पारी का एवरेज स्कोर 186, जिसमें टीम इंडिया मात खाती नजर आ सकती है। पिछली बार दोस्तों टीम इंडिया ने इसी मैदान पर 303 रन बनाए थे विराट कोहली की 160 रनों की पारी के दम पर। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम 179 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन केएल राहुल ने अगर डिसीजन लिया है सेकंड इनिंग में चेज करने का तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा। अब देखते हैं टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने उतरेगी तो क्या कुछ यहां पर करते नजर आएगी। आज का मुकाबला दोस्तों आप 2 बजे से शुरू हुआ है, लाइव देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप, जियो टीवी ऐप पर भी आप ये लाइव देख सकते हैं। 288 रन टीम इंडिया को जीत हासिल करनी है, अगर क्लीन स्वीप नहीं चाहिए तो, यानी कि एक शर्मनाक इज्जत से हार के साथ यहां पर भारत देश वापस आना। अगर आखिरी मुकाबला भी जीत जाते हैं तो शायद थोड़ा बहुत फैंस का गुस्सा शांत हो। टेस्ट सीरीज गवाई, ओडीआई सीरीज गवाई, लेकिन देखते हैं कि क्या ओडीआई का एक भी मुकाबला जीत पाते हैं या नहीं। 288 चेस करना है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।